सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग विद ग्रीक्स ऑन स्ट्रीक पार्ट वन। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं वेगा और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं अपने इस वेबिनार में। दिस वेबिनार एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन कंटेंट हियरिन इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइस। Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. So, सबसे पहले हम जानेंगे कि implied volatility के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि implied volatility होता क्या है। आगे चल के हम देखेंगे कि implied volatility के change होने के कारण किस प्रकार से options premium change होते हैं। आगे बढ़ के हम जानेंगे कि implied volatility का impact जो है क्या सारे options premium पे same होता है या फिर अलग अलग होता है। आगे चल के हम जानेंगे इंडिया विक्स के बारे में, फिर हम कुछ स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स देखेंगे, प्रैक्टिकली उन्हें क्रिएट भी करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, कुछ स्कैनर एग्जांपल्स देखेंगे और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा। सो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का इस्तेमाल करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स आने वाले दिनों में मार्केट में कितना मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपको फ्यूचर की वॉलेटिलिटी का अनुमान बताता है, जबकि हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी से आप बीते दिनों में कितनी वॉलेटिलिटी थी ये देख पाते हैं। ऑप्शंस प्राइसिंग में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से मार्केट पार्टिसिपेंट्स रिस्क का अनुमान भी लगाते हैं। सो व्हाट इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी? इन सिंपल टर्म्स, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इज द मार्केट्स करंट फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर वॉलेटिलिटी। यानी कि मार्केट जो है फ्यूचर में क्या देख रही है, मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी रह सकती है फ्यूचर में आने वाले दिनों में, ये बताता है हमें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइस चेंजेस एंड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इज कैलकुलेटेड ऑन द करंट प्राइसेस ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, राइट। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी तो जो है वो कैलकुलेट होता है अंडरलाइन का प्राइस, हिस्टोरिकल प्राइस यूज करके, बट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम ऑप्शंस प्राइसिंग का, ऑप्शंस का करंट प्राइसेस यूज करते हैं। दिस मींस इफ देयर आर नो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, देयर विल नॉट बी एनी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इन्फॉर्मेशन फॉर दैट इंस्ट्रूमेंट। यानी कि अगर किसी स्टॉक का ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है तो उस स्टॉक का इंप्लाइड वॉलेटिलिटी भी नहीं होता है। लेट्स लर्न हाउ इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्राइस ऑफ ऑप्शंस इन द नेक्स्ट स्लाइड। आने वाले स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि ऑप्शंस का प्राइस यूज करके किस प्रकार से इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कैलकुलेट होता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि इस समय जो ऑप्शंस के प्राइजेस हैं वो चीप है या फिर एक्सपेंसिव है, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? ऑप्शंस की फेयर वैल्यू निकालने के लिए कई सारे मॉडल्स हैं, या अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो कई सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं। एक टिपिकल ऑप्शंस प्राइसिंग मॉडल में ये सारे जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये सारे इनपुट्स होते हैं और उनका इस्तेमाल करके मॉडल जो है वो आपको एक थियोरेटिकल प्राइस बताता है ऑप्शंस का। तो आइए देख लेते हैं कि कौन से इनपुट्स वेरिएबल इनपुट वेरिएबल्स होते हैं। सो आपको डालना होता है स्ट्राइक प्राइस फॉर्मूला में या फिर मॉडल में, स्ट्राइक प्राइस, टाइम टू एक्सपायरी, इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड अगर डिविडेंड पेइंग स्टॉक है तो, एंड अंत में आता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। सो ये सारे जो वेरिएबल्स हैं, ऊपर के पांच वेरिएबल्स, वो तो बहुत ही ईजी है, नोन वेरिएबल्स हैं, आप इजीली इनका पता लगा सकते हैं। स्टॉक का प्राइस आप चेक कर सकते हैं इजीली, स्ट्राइक प्राइस तो आपने खुद सिलेक्ट किया है तो वो आपको पता ही है, टाइम टू एक्सपायरी यानी कि कितना टाइम बचा है एक्सपायरी में वो भी आपको इजीली पता चल जाता है, इंटरेस्ट रेट जो है आरबीआई पब्लिश करती है और डिविडेंड कंपनी अनाउंस करती है। सो ये सारे वेरिएबल्स बहुत ही इजी है। सबसे ट्रिकी जो है इसमें इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है, बिकॉज कोई भी इंस्टीट्यूट जो है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी पब्लिश नहीं करती है, वो आप कहीं जाके चेक नहीं कर सकते हैं कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है, राइट। सो कैसे पता लगाया जाए फिर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का? तो या फिर इस क्वेश्चन को अलग तरीके से रखते हैं। मान लीजिए आपको कैलकुलेट करनी है थियोरेटिकल ऑप्शन प्राइस, आप मान लीजिए कि सेल या फिर बाय करना चाहते हैं ऑप्शन को, तो आपको उसकी फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए, थियोरेटिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए पता लगाने के लिए आप क्या डालेंगे मॉडल में? अगर आपको पता ही नहीं है, कोई पब्लिश ही नहीं कर रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, तो कैसे पता चलेगा हमें? सो बेसिकली आपको एक अनुमान लगाना होता है कि वॉलेटिलिटी क्या हो सकती है। मान लीजिए आपने अनुमान लगाया 25%,
राइट right? तो आपने बाकी सारे वैल्यूज चेक करके डाल दिए, आपने इंप्लाइड वॉलेटिलिटी 25% डाल दिया। उसके बाद जो आपको ऑप्शंस का प्राइस मिला या प्रीमियम मिला, मान लीजिए कि वो जो मार्केट में वैल्यू चल रही है उससे कम आया, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी एज्यूम कर रहे हैं वो मार्केट के इंप्लाइड वॉलेटिलिटी की समझ से कम है, राइट right? बिकॉज बाकी सारी चीजें तो फिक्स्ड हैं, बाकी सारी चीजों में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ बदलाव कहां हो सकता है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी में। अब यहां पे हमने एक अजम्पशन लिया है कि सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है एक ही प्राइजिंग मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे प्राइजिंग मॉडल होते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको यह अज्यूम करना पड़ेगा कि सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है वो एक ही प्राइजिंग मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट right? एक बार मैं रिपीट कर दूंगा बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने सारे वैल्यूज चेक करके डाल दिए, जो कि बहुत ईजी है चेक करना। आपने 25% इंप्लाइड वॉलेटिलिटी डाला, उसके बाद आपको कुछ प्राइस निकल के आया, मान लीजिए 100 रुपीज प्राइस या फिर ऑप्शन का प्रीमियम निकल के आया, बट मार्केट में आप देखते हैं कि 105 रुपीज चल रहा है, राइट। सो दैट मींस मार्केट जो है आपसे ज्यादा इंप्लाइड वॉलेटिलिटी एज्यूम कर रही है। आपने 25 किया है तो मार्केट में भी 26, 27, 28, 29, 30 एज्यूम कर रही है, राइट right? तो अब उसको कैसे पता लगाया जाए, तो हम रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको ऑप्शन का प्राइस पता चल गया, अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे आप चेक कर सकते हैं वो, राइट एक्सचेंज से जो आता है प्राइस, बाकी सारी आपको चीजें पता है, तो रिवर्स कैलकुलेशन करके आप एग्जैक्ट इंप्लाइड वॉलेटिलिटी निकाल सकते हैं। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल यहां पे मैंने दिखाया हुआ है ये इक्वेशन। अब इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं होता है ये रिवर्स कैलकुलेशन, बट समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। मान लीजिए एक्स प्लस 4 इक्वल टू 10 दिया हुआ है, राइट right? तो अब आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे आप, 10 माइनस 4 कर देंगे तो 6 वैल्यू आ जाएगी x की। सिमिलरली यहां पे बाकी सारी चीजें आपको पता है, ये सारे 5 वेरिएबल्स नॉन वेरिएबल्स हैं, आपको प्राइस भी पता है, आप देख पा रहे हैं प्राइस अपने टर्मिनल में या फिर जो भी ऑप्शंस चेन आप रिफर कर रहे हैं वहां से, बस आपको नहीं पता है तो वो है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। तो कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, डायरेक्टली इतना आसान नहीं होता है रिवर्स में कैलकुलेट करना, कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जिनका यूज करके आप बैकवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस ऑप्शन प्राइस के लिए, राइट right? तो आई होप आप समझ चुके हैं कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी किस प्रकार से कैलकुलेट होती है। अब आपको मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनका इस्तेमाल करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो हाउ डज ऑप्शन प्रीमियम चेंज विद चेंज इन आईवी, यानी कि आईवी कैसे कैलकुलेट होता है यह तो हमने देख लिया। अब मान लीजिए कि आपको कोई यह पूछे कि अगर ऑप्शंस की इंप्लाइड वॉलेटिलिटी 2% से इंक्रीज हो जाए तो उसके कारण जो प्राइस है स्टॉक का प्राइस किस प्रकार से चेंज होना चाहिए, और यहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो एकदम सेम है, सिर्फ आईवी चेंज हो रही है, राइट right? तो इसका आप कैसे पता लगाएंगे, उसका आंसर वेगा में है। सो वेगा इज पार्ट ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स दैट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप फॉर चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम विद चेंज इन इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, यानी कि वेगा आपको बताता है कि अगर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी चेंज हो रही है तो ऑप्शन के प्राइस में क्या चेंज होना चाहिए, राइट। इफ द वॉलेटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग चेंजेस बाय 1% इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, द प्राइस ऑफ द ऑप्शन विल चेंज बाय वेगा अमाउंट, राइट। उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिखाया हुआ है। मान लीजिए कि 10 बजे निफ्टी कुछ इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ऑप्शन स्ट्राइक आपने ये चूज किया है, ऑप्शंस का प्राइस जो है प्रीमियम वो 205 रुपीज चल रहा है, वेगा की वैल्यू 10 है और वॉलेटिलिटी जो है वो 25 है इस समय, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, ऑलराइट। सो अब मान लीजिए कि दो घंटे बाद निफ्टी में कोई चेंज नहीं है, सेम अज्यूम कर रहे हैं हम, सेम है निफ्टी, ओके, स्ट्राइक प्राइस भी सेम है बिकॉज आप सेम स्ट्राइक प्राइस को चूज किया था आपने, सो उसको उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, राइट। एंड वॉलेटिलिटी जो है अब इंप्लाइड वॉलेटिलिटी 25 से 26 हो चुका है, 1% का इंक्रीज हुआ है, तो नया जो ऑप्शन का प्राइस है वो क्या होना चाहिए। यहां पे ध्यान रखने की बात यह है कि हम बाकी सारे फैक्टर्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं, थीटा डीके या फिर और कोई चीज कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट ये कंसिडर कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी जो है अचानक से 1% इंक्रीज हो गई है, राइट। सो आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है न्यू वो होगा ओल्ड प्रीमियम प्लस ओल्ड वेगा इंटू चेंज इन वॉलेटिलिटी, यानी कि आपका यहां पे 205 था पहले प्लस 10 वेगा 10 था इंटू 1, राइट, इज इक्वल टू कितना हो गया, 205 प्लस 10 इक्वल टू 215
15। इस प्रकार से आप वेगा का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि वेगा की वैल्यू कैसे पता चलती है, वेगा कहां से आया, राइट? सो सारे ऑप्शन ग्रीक्स जो है ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, सेम ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल का इस्तेमाल करके आप ग्रीक को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, अनलाइक अदर ऑप्शन ग्रीक्स, वेगा इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑप्शंस लेटर। इट इज स्टिल मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन आईवी एंड ऑप्शंस प्रीमियम्स। यानी कि वेगा जो है वो ग्रीक लेटर नहीं है, फिर भी उसका मोस्ट पॉपुलरली इस्तेमाल किया जाता है और वो पार्ट माना जाता है ऑप्शंस ग्रीक का। आगे बढ़ते हैं। सो विल volatility have same impact on all option premium? यानी कि क्या IV का same impact होगा सारे options के ऊपर, in the money, at the money या फिर out of the money, इन सब पे? तो आइए उसका यहां पे जवाब देखते हैं हम क्या है। In terms of points, अगर हम points में बात करें तो you will see a greater impact on at the money contracts। यानी कि at the money जो contracts होते हैं उसमें points में सबसे ज्यादा change होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप जस्ट इसको देख लीजिए, आगे चल के मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट? इन परसेंटेज टर्म्स यू विल सी अ ग्रेटर इंपैक्ट ऑन आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स एज कंपेयर टू इन द मनी और एट द मनी, राइट? यानी कि परसेंटेज टर्म्स में आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे ज्यादा आपको चेंज देखने के लिए मिलता है, पॉइंट्स टर्म्स में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स पे। ओके, यू विल सी अ ग्रेटर इंपैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स हैविंग अ लॉन्गर टाइम टू एक्सपायरी। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स की लंबी एक्सपायरी है वो उसमें आपको ज्यादा इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पे ये आउट ऑफ द मनी नहीं, एट द मनी होना चाहिए, राइट? सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। विल आईवी हैव द सेम इंपैक्ट ऑन ऑल ऑप्शन प्रीमियम्स? सो सेम टॉपिक है यहां पे, जो मैंने आपको बताया था कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, राइट? सो ये एक स्नैपशॉट है, निफ्टी 17233 पर ट्रेड करा था 28 दिसंबर को, ये मैंने स्नैपशॉट दिया है आफ्टर मार्केट क्लोज, एक्सपायरी थी 30 दिसंबर को, राइट? ये जो है आपका ऑप्शंस चेन है। यहां पे हम कॉल्स को लेकर के देख रहे हैं एग्जांपल इसको, तो आप कॉल्स को रिफर कीजिएगा। कॉल्स के प्राइजेस यहां पे लिस्टेड है, ये इन द मनी कॉल्स है, ये आउट ऑफ द मनी कॉल्स है, और जो येलो में है वो एट द मनी कॉल है, राइट? सो आप देख पा रहे हैं यहां पे हम वेगा की वैल्यू देखते हैं, एट द मनी पे 5 है, आउट ऑफ द मनी यहां पे हमने तीन स्ट्राइक ऊपर कंसिडर किया है, सो तीन स्ट्राइक एट द मनी से ऊपर, तो यहां पे हमें वेगा की वैल्यू 3.8 है और यहां पे हमें 3.94 देखने के लिए मिल रहा है, राइट? सो अब मान लीजिए कि इंप्लाइड वॉलिटिलिटी अचानक से 1% बढ़ जाए तो इन तीनों के प्राइसेस में किस प्रकार से चेंज होगा, राइट? सो यहां पे जो 184 है उसमें आप ऐड करेंगे 3.94 तो आपको मिल जाएगा 188.09, ठीक है? पॉइंट चेंज कितना हुआ, 3.94, जो कि एग्जैक्ट वेगा है, ठीक है? 1% ही चेंज हुआ है आईवी, इसीलिए वेगा अमाउंट यहां पे हम ऐड कर रहे हैं, तो जो भी एलटीपी था उसमें हमने वेगा ऐड किया तो हमें यह मिल गया। सो पॉइंट चेंजेस 3.94, परसेंटेज में कितना हुआ वो 2.13%। अब आ जाते हैं एट द मनी पे। एट द मनी का एलटीपी 81 था, वेगा 5.09, तो हम 1% चेंज के लिए ऐड करेंगे 81 प्लस 5.09, तो 86.09 आपको वैल्यू मिल जाएगी, राइट? सो 5.09 चेंज हुआ पॉइंट में, एंड परसेंटेज में कितना हुआ 6.28%। आउट ऑफ द मनी देख लेते हैं। आउट ऑफ द मनी का एलटीपी 23.35 चल रहा था, वहां पे वेगा था 3.8, हम 1% इंक्रीज इन आईवी के लिए ऐड करेंगे तो 27.15, ठीक है? पॉइंट चेंज 3.8, बट परसेंटेज में यहां पे आप देख रहे हैं 16.27% चेंज हुआ है। तो आई होप अब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल गई है इस स्लाइड में क्या हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी उसके रिगार्डिंग, राइट? अगर आपको कोई भी डाउट आता है, मैं समझ सकता हूं आपको डाउट आ सकते हैं, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो कमेंट्स में आप जरूर लिख के बताइएगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है, प्रश्न है आपको, तो मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। या तो फिर आप हमारे ईमेल आईडी support@streak.tech इस ईमेल आईडी पे भी लिख के बता सकते हैं, हम आपकी सहायता करने के लिए हमेशा मौजूद हैं।
व्हाट इज इंडिया वीक्स? अगर हम आईवी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडिया वीक्स के बारे में भी जान लेना बहुत ही जरूरी है. इंडिया वीक्स इज अ वॉलेटिलिटी इंडेक्स बेस्ड ऑन द इंडेक्स ऑप्शन प्राइसेस ऑफ निफ्टी इंडेक्स, राइट? और ये कौन कैलकुलेट करता है? एनएससी कैलकुलेट्स इंडिया वीक्स यूजिंग द निफ्टी ऑप्शंस ऑर्डर बुक फॉर करंट एंड नियर मंथ एक्सपायरीज. यानी कि एनएससी जो है वो निफ्टी ऑप्शंस का ऑर्डर बुक का यूज करके, करंट मंथ और नियर मंथ ये दोनों मंथ का ऑर्डर बुक यूज करके वीक्स इंडेक्स का कैलकुलेशन करती है. इंडिया वीक्स इंडिकेट्स द एक्सपेक्टेड मार्केट वॉलेटिलिटी, यानी कि मार्केट क्या वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रही है ओवर द नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज, राइट? आने वाले 30 दिनों में कितना वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट, वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो भी उनका अनुमान है वो रिप्रेजेंट करता है वीक्स इंडेक्स, राइट? इट इज एक्सप्रेस्ड इन एनुअलाइज्ड फॉर्म, राइट? ये होता तो नेक्स्ट 30 डेज का प्रिडिक्शन है, बट इसे हम एनुअलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 16% है, राइट? सो 16% वॉलेटिलिटी नेक्स्ट 30 डेज में एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट, बट ये एनुअलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है 16% वैल्यूज, राइट? और इंडिया वीक्स जो है अप एंड डाउन होता रहता है. आप इसका चार्ट चेक कर सकते हैं, अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे भी आपको ये चार्ट मिल जाएगा, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां पे भी आप स्टॉक्स का चार्ट देखते हैं वहां पे आप इंडिया वीक्स का भी चार्ट देख सकते हैं. सो हम इंडिया वीक्स इंडेक्स का इस्तेमाल करके ही आईवी के ऊपर स्ट्रैटेजीज बनाने वाले हैं आगे चल के. तो आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक स्ट्रैटेजी एग्जांपल. प्रैक्टिकली हम इस स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने वाले हैं. हम देखने वाले हैं कि एक लॉन्ग स्ट्रैडल में हम वॉलेटिलिटी का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं. तो लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है? वन लॉन्ग कॉल एंड वन लॉन्ग पुट ऑन द सेम अंडरलाइन स्टेम स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरी. और मोस्ट प्रोबेबली, आई मीन मोस्ट जनरली, ये एट द मनी पे अप्लाई किया जाता है, राइट? सो लॉन्ग स्ट्रैडल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? लॉन्ग स्ट्रैडल होता है पॉजिटिव गामा, यानी कि अगर सडन प्राइस मूवमेंट होती है स्टॉक में अप या डाउन कहीं भी, तो हमें बेनिफिट होता है लॉन्ग स्ट्रैडल में. ओके, हमारे लॉन्ग स्ट्रैडल की जो पोजिशनल वैल्यू है वो इंक्रीज होती है. और वेगा जो है वो भी पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, हमने वेगा के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा कि वेगा हमें बताता है कि अगर आईवी चेंज हो रही है तो किस प्रकार से ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होगा. तो हमारा जो पोजीशन है, ओवरऑल पोजीशन, उसका वेगा जो है वो पॉजिटिव होता है, बिकॉज कॉल्स और पुट्स दोनों का वेगा जो है पॉजिटिव होता है, राइट? सो अगर हमारे पोजिशन लेने के बाद अगर आईवी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हमारा पोजीशन का जो प्राइस है, ओवरऑल वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होगा, बिकॉज कॉल एंड पुट दोनों की वैल्यू इंक्रीज होगी. सो जब भी लॉन्ग स्ट्रैडल ट्रेड करना होता है ट्रेडर्स को, तो सबसे पहले वो चेक करते हैं कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी लो है या नहीं है. अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है तो लॉन्ग स्ट्रैडल अप्लाई करना बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है. थीटा नेगेटिव है, यानी कि टाइम से आपको नेगेटिव इंपैक्ट होगा आपके पोजीशन पे. सो आपकी पोजीशन की जो वैल्यू है वो घटेगी एज टाइम पासेस. सो इसको टैकल करने के लिए हम MIS स्ट्रैटेजी ही बनाएंगे. एट द एंड ऑफ द डे हम उसे स्क्वायर ऑफ कर देंगे ताकि थीटा डीके का ज्यादा इंपैक्ट ना हो. आइए स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली बना के देखते हैं कि किस प्रकार से इंप्लीमेंट करते हैं स्ट्रैटेजी को और किस प्रकार से बैकटेस्ट करते हैं. सो स्ट्रीट पे जाने के लिए आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, streak.tech, यहाँ पे मैंने नीचे दिखाया हुआ है. उसके बाद आप अपना ब्रोकर ID और पासवर्ड यूज करके वहां पे लॉग इन कर सकते हैं. तो आइए चलते हैं स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे और प्रैक्टिकली इस स्ट्रैटेजी को बना के देख लेते हैं. सो हियर वी आर ऑन द स्ट्रीट प्लेटफॉर्म. ये जो है होम पेज है, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन V4 है स्ट्रीट प्लेटफॉर्म का, राइट? यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग नए नए फीचर्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं. तो आइए स्ट्रैटेजीज पेज पर चलते हैं और हमारा स्ट्रैटेजी बना के देख लेते हैं. स्ट्रैटेजीज पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे, इसको हम नाम दे देते हैं एंड देन हम क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पे. ओके, सो हमें एट द मनी पे कॉल एंड पुट दोनों बाय करना है, राइट? तो हम उन सिंबल्स को ऐड कर लेते हैं, यहां पे क्लिक करेंगे.
हमें ट्रेड करना है निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट पे, राइट? बिकॉज विक्स जो है, विक्स का इस्तेमाल करके हम स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं, और विक्स जो है वो निफ्टी इंडेक्स के ऊपर बेस्ड होता है, राइट? सो यहां पे हम क्लिक करेंगे एड डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट। हमें निफ्टी इंडेक्स तो ट्रेड नहीं करना है, डायरेक्ट इंडेक्स हम ट्रेड भी नहीं कर सकते हैं निफ्टी की, राइट? हमें तो कॉल एंड पुट चाहिए, दैट्स व्हाई हम यहां पे क्लिक कर रहे हैं। यहां पे हमें सिलेक्ट करना है कि क्या चाहिए हमें, कॉल या पुट। तो पहले हम कॉल ऐड कर लेते हैं, उसके बाद पुट भी ऐड करेंगे। ऑफसेट फ्रॉम एट द मनी, जीरो मतलब हमें एट द मनी ही चाहिए। अगर आपको ऑफसेट करना है ऊपर एट द मनी से या फिर नीचे, तो आप प्लस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इस प्रकार की वैल्यूज यहां पे डाल सकते हैं, बट हमें तो एट द मनी चाहिए, सो हम जीरो रखेंगे। एक्सपायरी में मैं वीकली सिलेक्ट कर लेता हूं, करंट वीक एक्सपायरी, एंड कॉन्ट्रैक्ट टाइप लॉन्ग, बिकॉज हम लॉन्ग स्ट्रैडल बना रहे हैं, तो हमारी जब भी एंट्री कंडीशन मैच होगी तो हमें इसे बाय करना है, राइट? चेंज फ्रीक्वेंसी, सो चेंज फ्रीक्वेंसी बेसिकली डिसाइड करता है कि आपका एट द मनी स्ट्राइक जो है किस प्राइस से के रेफरेंस से सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आप यहां पे कैंडल सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो एट द मनी स्ट्राइक है वो कैंडल के क्लोज प्राइस, जिस कैंडल पे सिग्नल आया था उस कैंडल के, मान लीजिए कि 12:30 के कैंडल पे सिग्नल आया था, तो 12:30 का कैंडल का क्लोज प्राइस जो था उसको इस्तेमाल करके आपका एट द मनी प्राइस सिलेक्ट होगा। अगर आपने डे ओपन सिलेक्ट किया है तो उस दिन जो भी डे का ओपनिंग प्राइस था उसको लेकर के आपका एट द मनी स्ट्राइक सिलेक्शन होगा। हमें कैंडल यहां पे चूज करना है, हम कैंडल चूज कर लेंगे, और यहाँ पे हमें कॉल के साथ साथ एक पुट भी ऐड करना है, सो हम अगेन ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम पुट सिलेक्ट कर लेते हैं, अगेन हम वीकली सिलेक्ट कर लेंगे। आप मंथली पे भी इसको स्ट्रैटेजी को चेक कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ऑर्डर टाइप अगेन लॉन्ग, एक्सपायरी करंट, एंड चेंज फ्रीक्वेंसी में कैंडल रखेंगे। अप्लाई चेंजेस, डन, राइट? हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों ऐड कर दिए हैं, एट द मनी कॉल एंड एट द मनी पुट, वीकली है दोनों और दोनों लॉन्ग है, राइट? चार्ट टाइप में हम यहां पे कैंडलस्टिक ही सिलेक्ट करेंगे। हेकेनाशी का भी ऑप्शन यहां पे अवेलेबल है अगर आप हेकेनाशी पे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं तो। कैंडल इंटरवल में हम 1 आवर सिलेक्ट करेंगे, और होल्डिंग में MIS, जैसा कि मैंने बताया था थीटा डीके का जो इफेक्ट है हमें मिनिमाइज करना है, उसके लिए हम MIS ही यहां पे रखेंगे। क्वांटिटी में मैं 5 डाल देता हूं, लॉट्स में होता है ये, सो 5 लॉट्स यहां पे मैं कंसिडर कर रहा हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, राइट? सो यहां पे आइए हम अपना कंडीशंस को बना लेते हैं। सबसे पहले हम कैंडल टाइम का इस्तेमाल करने वाले हैं, और इसमें आप सिलेक्ट करेंगे डे ऑफ द वीक। हमें जो है थर्सडे को ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज थर्सडे को क्या होता है, एक्सपायरी होती है, उस दिन थीटा डी के बहुत ही ज्यादा होता है, सो हम अवॉइड करेंगे थर्सडे को ट्रेड करना। इसके लिए हमें कैंडल टाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम डिफाइन कर पाएं कि हमें जो ट्रेडिंग है वो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे या फिर फ्राइडे को ही करनी है, राइट? सो हम यहां पे डे ऑफ द वीक सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन डन। यहां पे हम चूज करेंगे लोअर देन, और नंबर में डालेंगे 4। सो मंडे होता है डे ऑफ द वीक 1, ट्यूजडे इज 2, वेनसडे इज 3, एंड थर्सडे इज 4। सो हमें अगर डे ऑफ द वीक 4 से कम है या फिर 4 से ज्यादा है, 4 हमें ट्रेड नहीं करना है। सो यहां पे और डालेंगे, अगेन कैंडल टाइम, डे ऑफ द वीक, डन, हायर देन, फोर पे हमें ट्रेड नहीं करना है डे ऑफ द वीक पे, या तो 4 से कम है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे है, या तो फिर फ्राइडे है, राइट? अब हम वॉलिटैलिटी एक्सपैंड होने पे ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि वॉलिटैलिटी अगर हम मानते हैं कि IV बढ़ने वाला है आगे चल के, तब हम लॉन्ग स्ट्रैडल को डिप्लॉय करना चाहते हैं। सो हम यहां पे अब वॉलिटैलिटी का कंडीशन बनाएंगे, उसके लिए हम सिंबल फंक्शन का यूज करेंगे, बिकॉज हमें चेक करना है कंडीशन निफ्टी विक्स पे, इंडिया विक्स पे। सो हम यहां पे सिंबल डालेंगे, यहां पे हम डालेंगे विक्स, इंडिया विक्स। अब जो भी हम कंडीशन सिंबल के अंदर डालेंगे वो हमारा इंडिया विक्स पे चेक होगा। अगर मैं सिंबल यहां पे यूज नहीं करता तो क्या होता, जो भी कंडीशन हम बनाते हमारा जो कंडीशन है वो एट द मनी पुट और कॉल ऑप्शन पे इंडिविजुअली चेक होता, बट हमें तो इंडिया विक्स पे देखना है, सो हम इंडिया विक्स डालेंगे, राइट? कंडीशन बना लेते हैं, क्लोज, माइनस 1, लोअर देन, ओपन, माइनस 1।
यानी कि जो प्रीवियस कैंडल का क्लोज था वो रेड था एंड अब जो है वो ग्रीन हो गया है, यानी कि हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि रेड था पहला कैंडल, अब ग्रीन हो गया है, यानी कि आगे चल के इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, यानी कि विक्स इंडेक्स या फिर विक्स इंडेक्स जो है बढ़ सकता है। सो यहां पे हम डालेंगे क्लोज हायर देन ओपन, राइट, ग्रीन कैंडल हमें मिल गया। अब एंट्री टाइम, हम यहां पे एंट्री टाइम को जो है लिमिट कर देंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे 2 o'clock के बाद, बिकॉज 2 o'clock के बाद बहुत ही कम टाइम बच जाता है। सो हम यहां पे 14:00 डाल देंगे एंड टाइम, उसके बाद हमें एंट्री नहीं लेनी है, 2 o'clock तक कोई एंट्री आती है तभी हम लेंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट, यहां पे हम स्टॉप लॉस डाल रहे हैं 20%, वो ईच लेग पे चेक होगा, लॉस मेकिंग लेग को हम एग्जिट कर दे रहे हैं जल्दी, यानी 20% अगर लॉस हो रहा है लॉस मेकिंग लेग में तो हम उसे एग्जिट कर दे रहे हैं। टारगेट में मैं एक बड़ा नंबर डाल दूंगा बिकॉज हमें होल्ड करना है एक्सपायरी तक, अगर वो लेग जो है प्रॉफिटेबल है तो। नेक्स्ट, यहां पे जो है डेली स्ट्रैटेजी साइकिल को चेंज करके 1 कर देंगे बिकॉज हमें एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है, एक दिन में एक से ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी है, राइट। सो यहां पे आप एक समरी देख सकते हैं अपने ओवरऑल जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है, पुट ऑप्शन एट द मनी वीकली लॉन्ग, कॉल ऑप्शन एट द मनी वीकली लॉन्ग, सो हमारा सही है स्ट्राइक सिलेक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन। यहां पे आप टाइम इंटरवल और होल्डिंग टाइप यहां पे आप चेंज कर सकते हैं, आपका यहां पे एलोकेशन मेथड्स भी काफी सारे अवेलेबल हैं बट उनका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, बट इनका आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और इनके बारे में अगर और जानना चाहें तो लिख के बताइएगा मुझे support@streak.tech पे या फिर कमेंट्स में, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में भी। सो हमारी सारी चीजें सही हैं, अब जो समय आ गया है स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके इसका परफॉर्मेंस चेक करने का समय आ गया है। सो लेट्स क्लिक ऑन सेव एंड बैक टेस्ट और देख लेते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहती है स्ट्रैटेजी की। सो स्ट्रैटेजी रन होने लगा है, कितने पीरियड में रन हो रहा है यहां से आप चेक कर सकते हैं, 6 January 2021 से लेके 5 January 2022 तक हम स्ट्रैटेजी को रन कर रहे हैं, दैट इज 1 year के पीरियड में, और बाकी सारे कंडीशंस वगैरह आप यहां पे वेरीफाई कर सकते हैं जब तक बैकटेस्ट रन हो रहा है। अगर आपको चेक करना है वेरीफाई करना है तो यहां पे सारी डिटेल्स आपको स्ट्रैटेजी की मिल जाएगी। एक जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उस पर ऑलरेडी बैकटेस्ट हो चुका है, अब जो है हमारा सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट पे बैक टेस्टिंग हो रहा है। सो ओवरऑल हम तो ओवरऑल देखेंगे बिकॉज जो स्ट्रैडल होता है वो 2 contracts से बनता है तो इंडिविजुअली देख के मतलब नहीं है, क्यूमुलेटिव रिजल्ट हम देखेंगे। सो यहां पे आप देख पा रहे हैं 269,856 रुपीज यहां पे प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिल रहा है, राइट। सो इस प्रकार से आप अपनी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं, और भी अगर आपके दिमाग में कंडीशंस आ रही हैं इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को लेकर के तो उन्हें भी आप यहां पे डाल के चेक कर सकते हैं। सो आइए आगे बढ़ा जाए, अब हमने स्ट्रैटेजी तो देख ली, अगर आप चाहें तो स्कैनर्स भी डेवलप कर सकते हैं। सो एक स्कैनर का भी एग्जांपल हम यहां पे देख लेते हैं। स्कैनर में हम क्या बनाने वाले हैं, स्कैनिंग फॉर आईवी शूटिंग अप, यानी कि जो भी स्ट्राइक्स पे आईवी शूट कर रहा है या फिर अचानक से इंक्रीज कर रहा है उन्हें हम किस प्रकार से ढूंढे। तो आइए चलते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे अगेन एंड देख लेते हैं कि किस प्रकार से स्कैनर्स बना सकते हैं। उसके लिए हम स्कैनर्स में जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहां पे हम नाम देंगे, मैं कुछ रैंडम नाम डाल देता हूं, आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, राइट, एंड यहां पे स्कैन ऑन। सो यहां पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं बैंक निफ्टी ऑप्शंस करंट मंथ, राइट, 1 minute टाइम फ्रेम, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहां पे हम अपना कंडीशन बना सकते हैं। सो ग्रीक्स करके एक इंडिकेटर है उसका इस्तेमाल करेंगे और यहां पे आईवी दी हुई है। सो हम यहां पे अब विक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट जो ऑप्शन चेन में आईवी जो वैल्यू आती है स्ट्राइक्स की वो हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आईवी हमने यहां पे डाल दिया, क्लिक ऑन डन हायर देन पीरियड मैक्स 10, यहां पे अगेन ग्रीक आईवी, सॉरी
बाकी सारे ग्रीक्स भी यहां पे अवेलेबल हैं, उसके साथ साथ आईवी भी इसी इंडिकेटर में दिया हुआ है। और इंटरेस्ट रेट आपको आप आरबीआई की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, समथिंग मैं अज्यूम कर लेता हूं कि अभी 5 है, बट 5 से थोड़ा कम ही है। यहां पे भी हम चेंज कर देंगे, राइट। सो यहां पे ऑफसेट जो है उसको हम -1 करेंगे। सो इस कंडीशन से हमें क्या पता लगेगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है उनका जो करंट आईवी है वो लास्ट 10 कैंडल्स में जो भी हाईएस्ट आईवी था उसके ऊपर चल रहा है, राइट। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि किन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है आईवी शूट हुआ है। तो यहां पे नेक्स्ट करके स्कैन एंड सेव कर लेंगे और यहां पे हमें रिजल्ट देखने के लिए मिल जाना चाहिए। सो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बैंक निफ्टी करंट मंथ के जिसमें आईवी जो है सडनली शूट हुई है, यानी कि ऊपर गई है सडनली, राइट। अगर आप चाहते हैं कि ये स्कैनिंग ऑटोमेटिकली हो, आप मैनुअली स्कैनिंग नहीं करना चाहते हैं, तो यहां पे हमने एक फीचर दिया हुआ है। आप यहां पे क्लिक करके टेक लाइव पे क्लिक कर सकते हैं। यहां पे अलर्ट फ्रीक्वेंसी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 1 मिनट सिलेक्ट किया तो क्या होगा, एवरी 1 मिनट स्ट्रीक सिस्टम ऑटोमेटिकली इस स्कैनर को रन करेगा मेरे लिए और मुझे अलर्ट्स मिलते रहेंगे। अगर आपको अलर्ट्स फोन में चाहिए तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप पे सारे नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप स्ट्रीक वेबसाइट ओपन रख सकते हैं अपने लैपटॉप में, आपको सारे नोटिफिकेशंस वहां पे मिल जाएंगे। मैं टेक लाइव कर देता हूं। सो इस प्रकार से आप अपने स्कैनर को टेक लाइव यानी कि लाइव मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। लेट्स गो टू द स्लाइड्स। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है हम शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है, वन शॉर्ट कॉल एंड वन शॉर्ट पुट ऑन द सेम अंडरलाइन सेम स्ट्राइक एंड एक्सपायरी, राइट। और जनरली इसको भी एट द मनी पे डिप्लॉय किया जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, गामा जो है नेगेटिव होता है, यानी कि हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई स्टॉक में जो शार्प मूवमेंट हो कोई। अगर आप उसका थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके 2 मिनट यहां पे पढ़ भी सकते हैं। लास्ट जो हमने स्ट्रैटजी बनाई थी लॉन्ग स्ट्रैडल वहां पे भी है, आप वहां पे भी रिफर कर सकते हैं। वेगा जो है नेगेटिव होता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ पोजिशन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। अगर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कम होती है तब जाके हमारा पोजिशन जो है उसकी वैल्यू बढ़ती है, तब हम जो है ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, राइट। थीटा इज पॉजिटिव, यानी कि थीटा टाइम जैसे जैसे पास होता है हमारा जो पोजिशन का वैल्यू है वो बढ़ता जाता है। द वैल्यू ऑफ द पोजिशन इंक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो यहां पे जो टाइम का पैसेज है वो हमारे लिए एक्चुअली में बेनिफिशियल है। तो आइए इस स्ट्रैटेजी को भी बना लिया जाए और चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार से काम करना है। स्ट्रीक प्लेटफॉर्म, अगेन हम स्ट्रैटेजी इस पे जाएंगे। यहां पे मैं अगेन इस पे क्लिक करूंगा। शॉर्ट स्ट्रैडल क्लिक ऑन क्रिएट, यहां पे कुछ नंबर डाल देता हूं मैं, राइट। सो अगेन हमें यहां पे स्ट्राइक्स ऐड करनी है तो हम यहां पे ऐड पे क्लिक करेंगे। निफ्टी 50 यहां पे क्लिक करेंगे। कॉल वीकली स्ट्राइक 0 बिकॉज हमें ऐड द मनी चाहिए। चेंज फ्रीक्वेंसी कैंडल और यहां पे इस बार हम शॉर्ट सिलेक्ट करेंगे। ऐड पुट ऑप्शन वीकली कैंडल शॉर्ट बिकॉज हम शॉर्ट स्ट्रैडल बना रहे हैं। सो शॉर्ट स्ट्रैडल में जैसे कि हमने देखा था वेगा जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि हमें चाहिए कि हमारे एंट्री के बाद जो वॉलेटिलिटी है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी वो डिक्रीज होनी चाहिए। सो आइए उसका कंडीशन बनाया जाए। चार्ट टाइप कैंडल स्टिक 1 आवर MIS क्वांटिटी हम यहां पर अगेन 5 लॉट्स कर देते हैं। नेक्स्ट। सो पोजीशन का यहां पे अगर आप डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं रह जाता है, बिकॉज आपने देखा था ये बनाते वक्त ही हमने यहां पे शॉर्ट सिलेक्ट कर लिया था। तो अब यहां पे आप सेल या बाय सिलेक्ट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने यहां पे साथ साथ में एक स्टॉक भी ऐड कर दिया, मान लीजिए कि मैंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि SBI भी स्टॉक ऐड कर दिया है, तब जाके यहां पे जो आप बाय एंड सेल देख रहे हैं उसका इंपैक्ट जो है आपको स्टॉक पे देखने के लिए मिलेगा। बट हमने यहां पे दोनों डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट ही यूज किए हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। बट स्टिल हम शॉर्ट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल, तो यहां पे मैं सेल सिलेक्ट कर लूंगा रेफरेंस के लिए। मतलब आपको इजीली यहां पे देख के पता लग जाता है कि शॉर्ट बनाया है आपने या फिर लॉन्ग बनाया है।
सो यहां पे अगेन सिंबल का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज हमें विक्स पे चेक करने हैं कंडीशंस. विक्स में डालूंगा इंडिया विक्स. प्रीवियस कैंडल जो है -1 वो होना चाहिए हायर देन. ओपन -1 यानी कि प्रीवियस जो कैंडल था वो ग्रीन कैंडल था एंड अब जो कैंडल है वो रेड कैंडल है. तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगे जाके भी रेड कैंडल्स बनेंगे कुछ. क्लोज लोअर देन ओपन. सो ऑफसेट का इस्तेमाल करके बेसिकली आप डिफाइन कर सकते हैं आपकी कौन से कैंडल का ओपन क्लोज चाहिए. जीरो मतलब करंट कैंडल, -1 प्रीवियस कैंडल, -2 -3 मतलब और भी ज्यादा हिस्टोरिकल कैंडल्स का आप भी वैल्यू देख सकते हैं. राइट सो कंडीशन हमने बना दी. अगेन यहां पे एंट्री टाइम को हम लिमिट कर देंगे 2 बजे तक. जो अगर सिग्नल आता है तो ही हम ट्रेड करना चाहते हैं. नेक्स्ट सो यहां पे स्टॉप लॉस में 999 में डाल दूंगा. टारगेट में भी 999 बिकॉज हम एंट्री के बाद वेट करेंगे कि ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाए ये पोजीशन बिकॉज हम MIA स्ट्रेटजी ही कंसिडर कर रहे हैं यहां पे ओवरनाइट रिस्क को अवॉइड करने के लिए. नेक्स्ट राइट स्ट्रेटजी साइकिल अगेन 1 बिकॉज हमें एक से ज्यादा एंट्री नहीं लेनी है 1 डे में. सो आइए इस स्ट्रैटेजी को भी बैक टेस्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं. एक बार सारी समरी देख ली जाए. पुट ऑप्शन एट द मनी वीकली शॉर्ट, कॉल ऑप्शन एट द मनी वीकली शॉर्ट. टाइम फ्रेम भी ठीक है 1 आवर. MIS होल्डिंग सारी चीजें यहां पे सही है. अब हम इसे बैक टेस्ट करने के लिए रेडी हैं. सो विल क्लिक ऑन सेव एंड बैक टेस्ट. हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो चलने लगी है बैक टेस्टिंग में और यहां पे हमें रिजल्ट्स देखने के लिए मिल जाना चाहिए. सो जब तक बैक टेस्टिंग चल रही है मैं बाकी सारी चीजें भी यहां पे दिखा देता हूं. राइट साइड पे जो है बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो इजीली आप यहां से कर सकते हैं. जो भी चेंजेस आप करना चाहें उन सब की इंफॉर्मेशन यहां पे आपको दिखाई गई है. क्वांटिटी, पोजिशन साइजिंग, एंट्री कंडीशंस, एग्जिट कंडीशंस सारी चीजें यहां पे मौजूद है. सो ये हमारा बैक टेस्ट रन हो चुका है और यहां पे आप PNL भी देख पा रहे हैं. 4,21,524 का हमें PNL यहां पे देखने के लिए मिल रहा है. राइट सो इस प्रकार से आप स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर सकते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे. शॉर्ट स्ट्रैडल हमने देखा एग्जांपल, लॉन्ग स्ट्रैडल भी देखा और जैसा कि मैंने आपको बताया वॉलीटैलिटी के और भी कंडीशंस आप ट्राई करके खुद की स्ट्रैटेजीज भी डेवलप कर सकते हैं. और अगर आप जाके पिछले साल चेक करना चाहते हैं तो आप पिछले साल का भी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं. हमारे पास एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का भी डेटा अवेलेबल है जो कि एक बेस्ट चीज है स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे. राइट फ्रॉम मार्च 2020 आप चेक कर सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहा था इन स्ट्रैटेजीज का. जो भी आप डेवलप कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं मार्च से लेकर के. सो अगेन एक स्कैनर का एग्जांपल हम देखेंगे. मान लीजिए आपको वेगा को लेकर के एक स्कैनर बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे. आइए चलते हैं स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे. अगेन स्कैनर्स में मैं जाऊंगा. उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि डिप्लॉय कैसे करना है स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के बाद. अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करेंगे. यहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पेपर ट्रेडिंग और लाइव ट्रेडिंग. आप चाहें तो पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को लेकर के. पेपर ट्रेडिंग मोड में जो है वो ट्रेडिंग जो होता है वर्चुअल मनी पे होता है, रियल कैपिटल पे ट्रेडिंग नहीं होगा. तो अगर आप जस्ट टेस्ट करना चाहते हैं स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में आप पेपर ट्रेड यूज कर सकते हैं. फिर आप अगर कॉन्फिडेंट है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं लाइव ट्रेडिंग. यहां पे स्ट्रैटेजी साइकिल यानी कितने ट्रेड लेने हैं, होल्डिंग टाइप सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके लाइव ट्रेड पे क्लिक करके इस स्ट्रैटेजी को लाइव में डिप्लॉय कर सकते हैं. राइट आइए अब स्कैनर भी बना लिया जाए वेगा पे. स्कैनर्स में चलेंगे हम, क्लिक करेंगे यहां पे, नाम दे दूंगा मैं. सो मान लीजिए कि आपको उन स्ट्राइक्स को फाइंड आउट करना है जो एक पर्टिकुलर वेगा रेंज में है. सो उनको कैसे फाइंड आउट किया जाए. अगेन यहां पे मैं निफ्टी ऑप्शंस करंट सिलेक्ट कर लेता हूं. नेक्स्ट सो हमें चाहिए ग्रीक
5 अज्यूम कर लेते हैं, वेगा शुड बी हायर देन टेन से ज्यादा होना चाहिए वेगा, एंड लेस देन नंबर 15 से कम, 10 और 15 के बीच में होना चाहिए। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यूज डाल सकते हैं। स्कैन एंड सेव पे क्लिक करूंगा मैं, स्कैनिंग हमारी होने लगी है और जल्दी हमें यहां पे रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये जो भी सारे स्ट्राइक्स हैं उनकी वेगा वैल्यू जो है वो 10 और 15 के बीच में है। अगेन आप अगर लाइव करना चाहते हैं इसको तो टेक लाइव पे क्लिक करके इस स्कैनर को भी आप लाइव कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए आपकी स्कैनर स्ट्रैटेजी डेवलप करने में, अगेन आप कमेंट में लिख के बताइए या फिर हमारी ईमेल आईडी support@streak.tech पे हमें लिख के बताइए, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो हम इस वेबिनार के कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। आइए देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंक्लूजन में। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट दैट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टिंग इन द कमिंग डेज, यानी कि कितना पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट। अगेन यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, यह आपको डायरेक्शन नहीं बताता है, सिर्फ किस हद तक मार्केट मूव कर सकता है ये आपको बताता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। वेगा हेल्प्स अस डिटरमाइन द चेंज इन ऑप्शंस प्रीमियम्स बेस्ड ऑन चेंज इन आईवी, यानी कि आईवी के चेंज होने पे वेगा आईवी के चेंज होने से जो ऑप्शंस का प्राइस जो है वो किस प्रकार से चेंज होगा उसका रिलेशनशिप हमें बताता है वेगा। आईवी इंपैक्ट्स डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस डिफरेंटली, वो हमने यहाँ पे इस टेबल में देखा था। अलग अलग जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं उन पे अलग टाइप का इंपैक्ट होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का। इंडिया विक्स इंडिकेट्स द एक्सपेक्टेड मार्केट वॉलेटिलिटी ओवर द नेक्स्ट 30 कैंडल डेज एंड इट इज बेस्ड ऑन द इंडेक्स ऑप्शन प्राइसेस ऑफ निफ्टी इंडेक्स, राइट। स्ट्रैटेजीज डेवलप्ड ऑन आईवी कैन बी क्रिएटेड एंड बैक टेस्टेड ऑन स्ट्रीक। स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे हम सारे ग्रिक्स का एक्चुअली इस्तेमाल करके, आईवी का इस्तेमाल करके स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। कंडीशंस टू फाइंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आईवी कैन बी ऑप्टिमाइज्ड टू इंप्रूव स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस। तो जो हमने यहाँ पे कंडीशन इस्तेमाल किया था इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आईवी का अनुमान लगाने के लिए, आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, इट्स अ प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू विद अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वेबिनार। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ अंत तक इस वेबिनार में बने रहने के लिए। अगर आपके कोई भी प्रश्न है, सुझाव है, तो आप हमें इस ईमेल आईडी support@streak.tech पे लिख के बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऑप्शंस के किन्हीं और टॉपिक्स को कवर करें अपने आने वाले वेबिनार्स में, तो प्लीज़ हमें लिख के बताइए, हम उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे और इसी तरह प्रैक्टिकल वे में सारी चीज़ें हम आपको करके दिखाएंगे। अगर आप हमें फॉलो करना चाहें तो हम अवेलेबल हैं YouTube, ट्विटर और टेलीग्राम पे, आप हमें वहाँ पे जाके फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपको एक डेमो रिक्वेस्ट का भी बटन देखने के लिए मिल जाएगा ऐप और वेबसाइट दोनों पे, आप वहाँ पे अपना नंबर प्रोवाइड करके एक डेमो बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हम इस वेबिनार को यही समाप्त करेंगे, मिलता हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।